हरी जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो सब बोलो जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश भयो पाप को नाश जैसे चिनगी आग की जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास पड़ी पुराने घास हरी हरी ओ फिरत फिरत प्रभु आइयो फिरत फिरत प्रभु आइयो पढ़ियो तो शरणाय पढ़ियो तव शरणाय नानक की प्रभु बेनती नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाय अपनी भक्ति लाय हरि हरि ओ भागवत में पहला श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः हम उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं जो सच्चिदानंद रूप है सत चित और आनंद रूप जो परब्रह्म परमात्मा है उसको हम नमस्कार करते हैं क्यों नमस्कार करते हैं कि जो तीनों तापों को निवृत्त करने में समर्थ है और तीनों काल में जो है सत उसे कहते हैं जो पहले था अभी है बाद में रहेगा असत उसे कहते हैं जो पहले नहीं था अभी नहीं और बाद में नहीं मिथ्या उसे कहते हैं जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा लेकिन अभी दिख रहा है जैसे किसी मनुष्य को वहम हुआ मेरे पेट में कुछ गड़बड़ घुस गया है हकीम डॉक्टर थक गए आखिर डॉक्टरों ने हकीमों ने जान छुड़ाने के लिए उस आदमी को कहा कि भाई तेरा रोग तो तब मिटेगा जब मनुष्य के तू सींग ले आएगा मनुष्य के सींग मिल जाए या तो ससे के सींग मिल जाए खरगोश के सींग मिल जाए उसको घोट के रगड़ेंगे तेरी नाभि पर लेप करेंगे तभी तो ठीक होगा अब वो दुकानों में बाजार में घूमे कभी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि पहले था माल अभी खत्म हो गया अथवा तो बाद में आएगा पहले भी नहीं थे शश्य के सिंह मनुष्य के सिंह अभी भी नहीं है बाद में भी नहीं रहेंगे असत उसे कहते हैं जो तीनों काल में ना हो सत उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहे मिथ्या उसे कहते हैं जो बीच में दिखे ये मंडप आज से एक महीना क्या एक हफ्ता पहले ऐसा नहीं था और हफ्ते के बाद भी नहीं रहेगा लेकिन अभी दिख रहा है तो है मिथ्या ऐसे ये हमारा तुम्हारा शरीर 55-60-70 साल पहले नहीं था 60-70 साल 80 साल के बाद नहीं रहेगा लेकिन अभी दिख रहा है तो ये सत नहीं है और असत भी नहीं है मिथ्या है लेकिन तुम्हारा आत्मा तुम्हारा जहाँ से मैं उठता है वह सच्चिदानंद शरीर के पहले था अब भी है और शरीर मर जाने के बाद भी रहेगा उस परमात्मा को हमारा नमस्कार है वह सच्चिदानंद है और वही परमात्मा कीड़ी में कुंजर में हाथी में मच्छर में वही उसी की चेतना है
जिस धातु का रो मटेरियल का हाथी बना है उसी रॉ मटेरियल का मच्छर बना है, जिस रॉ मटेरियल का चपरासी का प्यून का शरीर बना है उसी रॉ मटेरियल का राष्ट्रपति का शरीर बना है। जय राम जी की। बुद्धि की विशेषता से, मन की विशेषता से, कुछ इंद्रियों की विशेषता से आदमी छोटे बड़े, जीव छोटे बड़े दिखते हैं, लेकिन तत्व रूप से सब में वह सच्चिदानंद एक का एक। राष्ट्रपति के पूजा घर में जो बल्ब जल रहा है वही विद्युत पावर हाउस वहाँ के हरिजन के एक घुसल खाने में प्रकाश दे रहा है। राष्ट्रपति का पूजा ग्रह पवित्र है और बड़ी पदवी वाला व्यक्तित्व है, और वो हरिजन भाई बेचारा झोपड़पट्टी में रहता है और घुसल खाने में, लेकिन पावर हाउस, मैन पावर हाउस की सत्ता दोनों के घर है। ऐसे ही प्राणी मात्र के अंदर दिल की धड़कने चलाने वाला और आँखों के द्वारा देखने वाला, मन के द्वारा सोचने वाला, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने वाला, चित्त के द्वारा चिंतन करने वाला और अहम के द्वारा मैं मेरा करने वाला, वो जो परमात्मा है वो सब में एक सत्ता मात्र है। हीटर अलग है और फ्रिज अलग है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग उसके कद, अलग अलग उसके दाम, अलग अलग उसकी कैपेसिटी, अलग अलग उनकी डिजाइन, लेकिन विद्युत एक का एक काम करता है। हीटर में पानी गर्म होता है, फ्रिज में पानी शीतल होता है, और पंखे में वायर दे दो तो वही विद्युत हवा बना लेता है, और मोटर पंप में टिल्लू में लगा दो तो वही पानी छत पे पहुंचा देता है, लेथ मशीन में विद्युत लगा दो तो वही पुर्जे बनाती, और ट्रेन में विद्युत लगा दो तो हजारों लोगों को ले भागती। इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं तो विद्युत का परिणाम अलग अलग आता है। ऐसे ही अंतःकरण अलग अलग हैं, मन अलग अलग हैं, बुद्धियों के सोचने समझने की मति गति अलग अलग है, तो ये सब अलग अलग संसार विचित्र दिखता है, लेकिन ये विचित्रता भी एक अद्वैत ब्रह्म की सत्ता से ही, एक में से अनेक भिन्न भिन्न हुए और भिन्न भिन्न दिखते हैं, फिर भी जो अभिन्न पर नजर रखता है वह सच्चिदानंद स्वरूप को जानकर संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण खेलते कूदते किसी कीचड़ दल दल में से गुजरते हुए आए, कोई नाले वाले में जैसे भी, तो उनका शरीर देखकर यशोदा माँ ने कहा, मालूम होता है तू अगले जन्म में सुवर था, ऐसा सारे शरीर को सन कराया। कृष्ण खिलखिला के हंस के, मैया तू तो ठीक से जानती मेरे को, सुवर भी मैं ही हूँ, वराह अवतार भी मैं नहीं लिया और सुवर के अंदर भी मैं ही हूँ। अगर आजकल के किसी बेटे को कहे तो नाराज हो जाएगा, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि सुअर में भी मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, कीड़ी में भी मैं हूँ। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ने माथे बैठो, हाकन वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं सा तू तू ही को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू, ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ए बेन कटकी रोटली आपो बा, तुम्हारा छोकरा छैया सुखी रे बेन, दे दो जरा भूखे प्यासी माई को। एक माई भिखारण होकर आवाज दे रही है और दूसरी माई सस्वडी थी करे, ओ माई हेडा चेडा भिखारण इधर आ, इले चार पूरी ले जा, मोनथाल की दो चक्कियां ले जा, लेकिन मेरी बहू को मत बताना, वो आजकल की पढ़ी लिखी है, वो टोकेगी मेरे को, ले जा अपने बेटों को खिला। हाँ माई ले, ले दो रुपया भी ले जा, भगवान बड़ी चंगी कंदी पुट, वठ के जाओ, लेके जाओ, वठ जाओ। ओ माई थोड़ा सिंधी बोलती है, थोड़ा हिंदी गुजराती बोलती है, देने वाली दाता के अंदर भी वही चैतन्य की धारा काम कर रही है और मांगने वाली भिखारण के अंदर भी वही चैतन्य की धारा काम कर रही। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू,
कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। सासू बनकर खो खो करने वाले में भी तू, और बहू बनकर लाल लिपस्टिक लगाकर फैशन करने वाले में भी तू, और ननंद बनकर वाह भाभी आज तो महारानी हो गई हो ऐसा कहने वाले में भी तू, और देरानी बनकर माई डुस तो सही भाभी फैशन जो कहो है बुढ़ी भी जवान थी भैया वाह वाह। वो कहने वाले में तू का तू, और फैशन करने वाले में भी तू को तू। बन बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू, वहाँ 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 करण वाले में भी तू बैठो है मिठा। बोल दिया लाल लोली हमेशा हरिय खे दिया लाल लोली। लोली देने वाले में भी तू, और लोली सुनने वाले में भी तू। इस प्रकार का अद्वैत ज्ञान अगर हृदय में रहकर फिर व्यवहार होता है तो आपको व्यवहार के डंक नहीं लगते, व्यवहार की सफलता अहंकार नहीं लाती, विफलता विषाद नहीं लाती, और व्यवहार का बोझा आपके सिर को बोझिला नहीं बनाता। एक जमाई राज ससुराल जा रहे थे अपनी पत्नी की छुट्टी लेने के लिए, मोकल वठण पे वो पंहिंजे कुंवार जी। सियारे जा ॾींहुं मानस मड़े खुराक बोराक ठाहे ॾिनी, थोड़ी डाखूं बाखूं विझी, खौर बौर विझी, हाँ थोड़ी मिठाई बना के दी माँ ने, मिठाई की डिब्बी 5-7 किलो की, कुछ कपड़े दिए, कुछ कुछ दिया। पहली बार जा रहे हो ससुराल, बहुरानी के लिए कुछ ले जाओ। सियारे जी सुखड़ी बुखड़ी खड़ी, वो जवान घोड़े पर रवाना हुआ, लेकिन था बेचारा थोड़ा भोजू भोजू समझो था थोड़ा मड़ी बुद्धू। उसने सोचा कि एक तो मैं बैठा हूँ घोड़े पर, और दूसरा इतना सामान, और तीसरी ये खुराक की इतनी सारी डब्बी, सारा का सारा बोझा घोड़े पे, हाय राम। घोड़ा भी तो आखिर बेचारा प्राणी है, उसको दया आई, घोड़े से नीचे उतरा, छोटा मोटा जो बोरा बिस्तर था अपनी कमर को बांधा, वो बैग पीछे मिठाई की रखी बांधी, आगे भी थोड़ा सामान झोले झंडी लटकाया, कुछ गले में सामान बांध दिया पहन लिया, कुछ बगलों में पहरा, कुछ पीछे पहरा, पूरा सामान अपने सिर पर लाद कर बाद में घोड़े पे बैठ गया। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। आप सोचने लगा कि मेरा बोझा तो कब, इतने सारे बोझे से तो घोड़े को बचाया, अब घोड़े पे चढ़ा जा रहा है, बोझा तो कुल घोड़े पर, लेकिन सोच रहा है कि घोड़े को बेचारे को थोड़ा आराम मिल गया, मैं नहीं तो उठा लिया। अब पहुंचते पहुंचते ससुराल, सूर्यास्त हो रहा है, ससुरा जी ने देखा कि ये जमाई राज किस रूप में आ रहा है। ससुरा ने पूछा कि जमाई राज खटिया लाए, यहाँ उतरोगे कि अस्पताल के लिए खटिया ले चले। बोले सीधा अस्पताल चलो, क्योंकि वो जैसे लोथपोथ हो गया, उस जमाई राज जैसा ही तुम्हारा हमारा मन है, सारा बोझा उस परमेश्वर पर है, लेकिन बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारा का सारा उठाकर अपने पर रखते और फिर अपन होते ईश्वर में। जयराम जी की काहू डोलत प्राणिया तद राखे को सर्जन हार, जिन उपाय मेधनी सोई करदा सार, सैस स्याण पालक होवे त इक न चले नाल। गुलाम नबीर अपने खेतों से वापस लौट रहा था, रमजान के दिन थे। गुलाम नबीर ने देखा कि अरे इस जंगल के बड़े कुएं में चांद अंदर फंस गया, लोग व्रत कैसे छोड़ेंगे, रोजे कैसे खोलेंगे, मैं तो तुझे ले जाऊंगा। कुएं में ताकते हुए गुलाम नबीर चिल्लाया, अंदर से आवाज आया, मैं तुझे ले जाऊंगा। अरे मुझे तो कैसे ले जाएगा, अरे मैं तुझे ले जाऊंगा, बोले मैं तुझे ले जाऊंगा। देखते बोले देखते कुछ भी हो मैं तो तुझे ले जाऊंगा, बोले मैं ले जाऊंगा। गुलाम नबीर ने मुझ पर हाथ रखा के देखेंगे देखेंगे, अंदर से भी आवाज आया, देख लेंगे देख लेंगे देखेंगे देख। रस्से में घोड़ा गांठ बांधी,
हरिया हल्ला करके रस्सा फेंका कुएं में, जरा घुमावा डाला तो किसी पत्थर नोकीले पत्थर में रस्सा फंस गया, खींचा तो घोड़ा गांठ फिट हो गई। गुमलाम नबीर पानी खींचते ना, वो लोहे की जो गरगड़ी होती है उस पर रस्सा लगा कर पनघट पर पैर मारकर जरके मारने लगा। कुछ भी हो है तो तू भारी, लेकिन फंसा तो दिया मैंने। या हुसैन या अल्लाह, या हुसैन या अल्लाह करता रहा। करते 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 जरके लगने से रस्सा कमजोर होता गया। दोनों पैर के बल से पनघट पर जोर लगाकर या हुसैन करके मारी जर्क, रस्सा टूट गया। गुलाम नबीर पीठ के बल से जा गिरा। थोड़ी देर तो मूर्छित हो गया, फिर आंख खुली तो देखा आकाश में चांद। गुलाम नबीर कहता है, भले थोड़ी चोट खाई लेकिन तुझे लाके तो रख दिया। आखिर मैं गुलाम नबीर हूं, मैंने जो ठान लिया वो करके दिखा दिया, तुझे लाके तो रख दिया ना। अब लोग मजे से रोजा खोलेंगे, अगर मैं नहीं निकालता तुझे तो लोग बेचारे भूखे मर जाते। अब आपको तो पता होगा कि गुलाम नबीर ने कितनी बहादुरी की। ऐसे ही हमारा मन गुलाम नबीर की नकल करता है। मैंने बेटे को पाला, मैंने बेटी को पाला, मैंने पति को पाला, मैंने पत्नी को पाला, मैंने ये करा, मैंने ये किया, लेकिन तुम्हारा मैं जिस परमात्मा की सत्ता के बिना हो नहीं सकता, तुम्हारा मैं जिसकी चेतना के बिना स्फुरित नहीं हो सकता है, उस सच्चिदानंद को तुम नमन करो। नमन का मतलब है न मम इति नमः। जो यज्ञ करते ना, ओम इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, ओम इदम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय न मम, ओम इदम कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय न मम, कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय न मम, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। न मम का मतलब है, नमः का मतलब है न मम, ये मैं नहीं हूँ, ये इंद्रियां और ये शरीर मैं नहीं हूँ, अपितु ये इंद्रियां और शरीर जिसकी सत्ता से चलता है वो चेतन आत्मा मैं हूँ और परमात्मा का सनातन अंश हूँ। इस प्रकार यज्ञ का अर्थ भी देर सबेर आत्मा परमात्मा को पहचानने के रास्ते वाला है। मनमानी साधना हजारों वर्ष की करे और गुरुमुख होकर थोड़ा समय साधना करे तो गुरुमुख साधना करने वाला बहुत थोड़े समय में ऊंचे अनुभव को पाता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में आता है कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को नमन करते हैं जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। उसको हम क्यों नमन करते हैं कि हमारे तीनों तापों का शमन हो, इसलिए उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। आप फिर से बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो हम किसको नमन करते हैं कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कैसे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य चित्त और आनंद सृष्टि के पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। श्री कृष्ण की आकृति तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन श्री कृष्ण का चैतन्य वपु वो हमारा तुम्हारा सबका आत्मा बनकर बैठा है। वसुदेव के घर कृष्ण आए, उसके पहले लोक कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हिनाथ नारायण वासुदेवाय जपते थे। दशरथ के घर राम आए, उसके पहले रघुराजा दिलीप राजा इक्ष्वाकु कुल के राजा लोग राम राम जपते थे। राम राम का मतलब है जो रोम रोम में रम रहा है, और कृष्ण का मतलब है जो सबको कर्षित आकर्षित और आनंदित करता है। अल्लाह का मतलब है ला इल्ला इल इल्लाह, उस अल्लाह के सिवाय उस ईश्वर के सिवाय और कोई चीज सत्य नहीं है और कुछ भी नहीं।
वास्तव में वो ब्रह्म नानक जी उसी को अकाल पुरुष कहते हैं, कबीर उसको अव्यक्त कहते हैं, और एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज उसे विट्ठल कहते हैं, सिंधी साईं वाले झूलेलाल कहते हैं। एक ही मंदिर है, लेकिन तीन लोग गए मंदिर में। एक मंदिर में गया जिसने सत्संग सुना है, मंदिर के भगवान के दर्शन करता है कि हे प्रभु, सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाले, कण कण में क्षण क्षण में व्याप्त प्रभु, तुझे नमस्कार है। वो एक टक दर्शन करके भगवान के व्यापक रूप का स्मरण करके अपना दिल विशाल करता है, चित्त शांत करता है, मन मधुर करता है। दूसरा आदमी मंदिर में देख रहा है कि आह, मुकुट इतने का होगा, हीरा जो लगा है वो कम से कम 50,000 का होगा यार, जयराम जी की, और भगवान को आज सिंगार में जो पिंडामर ये पहराया वो भी ₹800 का माल तो होगा, जयराम जी की, वो अपना बनियागिरी से अपना मजा ले रहा है। तीसरा सोचता कि आह, इस हीरे को कैसे लिया जाए, पुजारी को मारकर खिटपटा कर, दरवाजे की कौन सी कमजोरी है और खिड़की कहाँ से ठीक रहेगी। एक व्यक्ति भगवान को सर्वव्यापी मानकर दर्शन करके पुलकित आनंदित हो रहा है, दूसरा अपनी बनियागिरी से खोपड़ी का कसरत कर रहा है, और तीसरा ठाकुर जी के उन गहने गांठों को हड़प करने का षड्यंत्र कर रहा है, जिसकी जैसी नजर परिणाम भाव और सुख दुख भी ऐसा ही होता है। अंधेरी रात, एक आदमी गिरनार की तलेटी से गुजर रहा है। अंधेरी रात में कटा हुआ पेड़ ठूंठ खड़ा था 6 फीट का। आदमी ने सोचा कि वाह, ऐसे घोर कलयुग में भी कोई खड़ेश्वरी खड़े खड़े तप कर रहे हैं, वाह वाह। उसने अपना झोला झंडा संभाला, अगरबत्ती निकाली, वहीं खड़े खड़े अगरबत्ती जलाकर उस दूर जंगल में जो ठूंठ था उसको साधु समझकर प्रणाम किया। वाह वाह, आज धुंधली सी चांदनी है, बादल के मौसम की चांदनी है, जंगल का मामला है, नजीक तो नहीं आ सकता हूँ तपस्वी, मेरा यहीं से प्रणाम स्वीकार करना। वो आदमी प्रणाम करके चला। दूसरा पसार हुआ कि अरे, ये बदमाश किसी यात्री की ताक में है, खड़ा है चुपके से, कहीं पकड़ न ले, भागा मुठियाँ भीड़ कर, जल्दी जल्दी खिसक गया, दूर गया, सोचा कि हाश, उस मुसीबत से, डाकू से, चोर से बचे। अब है तो ठूंठ, एक साधु समझकर अपने भावना का मजा ले रहा है, और दूसरा चोर समझकर अपनी खिन्नता को उभार रहा है। तीसरा आदमी, यार ये कोई साधु जैसा लगता है, बोले साधु एकदम इधर क्यों खड़ा रहेगा, तो क्या चोर होगा, बोले चोर इधर चोरी क्यों करेगा, आखिर क्या है, चलो जरा बैटरी लगाओ। बैटरी लगाई, देखा कि न साधु है न चोर है, ठूंठ है, जोंका त्यों है, उसे तसल्ली हो गई, उसकी दृष्टि साफ सुथरी हो गई। ऐसे ही तुम किसी में मित्रता देखते हो, किसी में शत्रुता देखते हो, किसी में साधुता ही देखते हो, किसी में दुर्जनता देखते हो, लेकिन सत्संग की नज़र हो जाए तो तुम्हें वो सच्चिदानंद परमात्मा सार दिखेगा। नजर बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। दो भाई हैं, दो बहनें हैं, बहन की नजर है कि चलो पफ पाउडर लाली लिपस्टिक करें, बॉय कट कटाएं, जरा इस दोस्त से बात कर ली तो क्या, जरा उससे हाथ मिलाया तो क्या। एक बहन फ्रीडम का सहारा लेकर धीरे धीरे क्लबों में नाचने गाने शराब कबाब के रास्ते चल पड़ी, और दूसरी बहन कहती कि नहीं, मेरे पिताजी देखो, मेरे माताजी और हम भारतवासी, हमारा कर्तव्य क्या है, स्त्री का तो लज्जा आभूषण है, और क्या खाना, क्यों कितना खाना, कब खाना, ये तो ज्ञान होना चाहिए। मैं ये नहीं पीतू, मैं ये वाइन नहीं पीऊँगी, मैं इस शराबी महफिल में नहीं जाऊँगी, मैं ऐसा फैशन नहीं करूँगी, मैं तो सात्विक भोजन करूँगी। वो कन्या, एक कन्या है जो फ्रीडम करते करते वैश्या जैसा घृणित जीवन गुजारने को मजबूर हो जाती है, और दूसरी संयमी विचार करते करते सती साध्वी जैसी होकर अपना कुल खानदान चमका देती है। है तो दोनों बहनें, लेकिन नज़र बदली तो निजारे बदल गए। है तो दो भाई,
जरा सा रबड़ चुरा लिया तो क्या है, जरा सा ये पेन चुरा ली तो क्या है, धीरे धीरे वो चोर बन जाता है, समाज की नज़र से गिर जाता है, अपनी आत्म शांति से गिर जाता है और कभी कभार जेल की हवा भी खाता है। और दूसरा भाई है सच्चाई से चलता है और बहुत लोग उस पर विश्वास करते हैं। दो भाई है, एक पढ़ता लिखता तत्परता है, IAS ऑफिसर हो गया जिलाधीश, और दूसरा लोफर छोरों के साथ नाक में से धुआं निकलता है, निकाल कर मानो इंजन रेलवे इंजन बन जाता है। शुरुआत में तो मजा लेता हुआ दिखता है लेकिन भविष्य अंधकारमय हो जाता है, उसका भविष्य ऑफिसरमय हो जाता है। थोड़ी सी असावधानी भविष्य बुरा कर देती है और थोड़ी सी सावधानी भविष्य उज्जवल कर देती है। ट्रेनें खड़ी है दोनों, लेकिन एक का रुख है इधर को और दूसरी का उधर को, देखते ही देखते कलकत्ता पहुँचती हो दूसरी बम्बई पहुँच जाती। जहाज़ दोनों खड़े नागपुर में और दोनों का रुख करीब करीब एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन टेकअप होने के बाद थोड़ा सा रुख बदलता है तो एक जहाज़ दिल्ली की खबर देता है और दूसरा बम्बई या मद्रास या कलकत्ता दिखा देता है। ऐसे ही परदेश में आने वाले जो जहाज़ हैं, थोड़ा सा रुख यूँ बदलते तो गोगा बंदर, और दूसरे ने थोड़ा सा रुख यूँ बदला किस्ती ने तो वो कलकत्ता का बंदर, और तीसरे ने देखा रुख बदला तो महाराज बम्बई का बंदर। नज़र बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। तो कथा के द्वारा तुम्हारी नज़र आत्मिक नज़र हो जाती है तो नज़ारे परमात्मामय हो जाएंगे। तो नज़र बदलती है गुरुओं की, जब नज़र मिलती है तो जीवन जीने की कला आ जाती है, साधन करने की कला आ जाती है, सुख दुख में सम रहने की कला आ जाती है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से पार अपने परमेश्वर स्वभाव में जगने की नज़र मिल जाती है। ठूंठ तो वही का वही है, एक आदमी उसे चोर मानकर परेशान हो रहा है, दूसरा साधु मानकर इम्प्रेस हो रहा है, तीसरे ने ज्ञान की बैटरी लगाई वस्तु स्थिति को जाना। ऐसे ही कोई जगत को भोग रूप जानकर भोग के खाई में गिर रहा है तो कोई जगत को दुख रूप जानकर परेशान हो रहा है। जगत न भोग रूप है न दुख रूप है, जगत तो जगदीश्वर की पाठशाला है, उसका ज्ञान पढ़कर तुम अमर हो जाओ, इसलिए तुम्हारे को जगत में भेजा गया है। एक सेठ ने कुआ खुदवाया, कुएं का ठंडा मीठा पानी लोकप्रिय। किसी माई का बेटा बाप गुजर गया लोफरों के चक्कर में आकर, माँ से लड़ा और गुस्से गुस्से में कुएं में जाके कूद मरा। अब वो माई उस सेठ को गालियां देती है कि मुझे जो गाटो भजे अलाय छोखू खोटाई, क्यों कुआ खुदवाया, मेरा बेटा मर गया। सेठ ने कुआ खुदवाया मेरा बेटा मारने के लिए। सेठ ने कुआ इसका बेटा मारने के लिए नहीं खुदवाया था, लोग अपनी प्यास बुझाए शीतल पानी पिए इसलिए खुदवाया था। ऐसे ही परमात्मा ने ये संसार कूप, इसमें से ज्ञान का अमृत पीकर आप जन्म जन्म की प्यास मिटाएं, इसलिए आपको संसार समुद्र में अथवा संसार कूप में डाला है। आप जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए संसार में आए हो, न कि संसार में फंस मरने के लिए, न कि संसार में डूब मरने के लिए, न संसार में आसक्त होने के लिए, न कि संसार से ऐसे कर्म करके 84 लाख जन्मों में भटकने के लिए आपको संसार में नहीं भेजा गया। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।